डाउनलोड कर, मेरा डाउनलोड हो ही रहा है, मैं डाउनलोड करके आपको दे देता हूँ। क्या हो गया इसको, फिर से प्रॉब्लम। हाँ हो गया, कौन शेयर कर रहा है? ओके, अनमोल सो आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट एक्चुअली आई हैव डिराइव्ड फ्रॉम 1.3 ये वाली इक्वेशन। फाइन, अब उसमें नीचे अपने पॉइंट्स लिखे, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट चार्ज क्यू, वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये बोल्ड लेटर में लिखा है, ठीक है, तो ध्यान रखिए बोल्ड लेटर में उसका मतलब इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी एंड द फोर्स ऑन द इफेक्टिव चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑफ अ पॉजिटिव। टीम मैच, लेट्स गो। आपको सबको पता है कि वो अपोजिट जाएगा जब फोर्स होगा। अब सेकंड बात यहाँ है, द मैग्नेटिक फोर्स ये वाला includes a vector product of velocity and magnetic field. So vector product makes the force due to magnetic. Up next vector of magnetic field. ठीक है, नीचे field vanishes becomes zero if velocity and magnetic field are parallel. ये तभी होगा जब velocity vector and magnetic field are parallel or anti-parallel. So the force x in a sideways direction perpendicular to both the velocity and magnetic field, तो ये probability बहुत कम ही होती है जो ये zero वाला है, negligible होता है। ठीक है, यार ये एक जगह पे क्लिक करता है। नाइस शॉट। सो द फोर्स एक्स इन अ साइडवेज डायरेक्शन, ये वाला जो है ना पैरेलल वाला, वो हम कंसीडर नहीं करते। ओके, बट हम हमेशा ऐसे राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, दिस इज द फोर्स इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, बी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। अभी एक और लॉ लेके आएंगे हम, ठीक है, उसे हम राइट हैंड थंब रूल ही बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल ही बोलते हैं। बट वो क्या होगा बच्चे, ये यहाँ क्यों एंटर हो रही है लड़की? आप लोगों ने थर्ड लॉ बोला, थर्ड लॉ है इसके साथ होगा थंब, इंडेक्स फिंगर और एक होगा थर्ड फिंगर, तो वो मिक्स करके हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी इन समवॉट, थोड़े टाइम में मैं अभी आपको बता देता हूँ। नाउ द मैजिक, उसे उसे क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग्स रूल, व्हिच इज कॉल्ड एज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड। The magnetic force is zero if the charge is not moving. ये हमेशा fact रहता है, charge is not in motion, magnetic field is not going to come into picture. So ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, nothing else. Okay? अभी जो है magnetic force का current character है, next page. Kill. जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, सिर्फ लॉरेंज लॉ के बारे में नहीं बताया था, बट ये मैग्नेटिक के बारे में हमने बता दिया था। ये भी अभी मैं तो ये जो बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी आप लोगों ने ये बेसिकली कैसे फाइंड किया, मैं आपको इसको साइडवेज बता देता हूँ। बार्ट शॉट लॉक के पहले द रेड टीम इज इन द लीड। किल। अब आप सब लोग ये देखो, एफ इज इक्वल क्यू इनटू ब्रैकेट वी वेक्टर क्रॉस This is velocity of the charges. Okay? अब आप ये जो VD है, यहाँ पे क्या लिखा है? NLA. NLA का मतलब समझते हो क्या होता है? Hello? Nice shot. अरे कोई तो बोलो NLA का मतलब क्या? ऐसा बोलो कुछ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन। चलो चलो, अब तो आइडिया आ जाना चाहिए, देख के पता चल जाना चाहिए।
your length area total. So total. Total जितना भी charge carry. जल्दी करो मौलिक तो कोई करेक्ट. चलो चलो थोड़ा और बोलो. यानी पूरी डॉट में जो पूरे क्रॉस सेक्शन में जितना चार्ज फ्लो है वो माय क्रॉस सेक्शन और नियर बाय. अरे भाई ये जरा क्या है, इट्स अ कंडक्टर. ये रिक्वायर है, ये क्या एरिया. Yeah, this is what area. And the red team is in the lead. Yes. अरे हाँ क्या ना तो बोल. Yes sir. And this is L length. Area to length क्या होता है. Volume. So N L A Q. अगर मैं ऐसा लिखूँगा N L A Q, ठीक है, A Q, मतलब total number of charges flowing through this volume. Yes or no? Yes. Okay. अब ये जो velocity है electron की जो यहाँ से flow हो रहा है, उसको मैं drift velocity बोलूँगा, because it's flowing in direction. No mercy. आके ना. Cover me. Yes. Okay. As it is going to move in direction. अब ये कंडक्टर क्या हो रहा है, सपोर्ट करो एन दिस वॉल्यूम के बेसिस पे पूरा मतलब डिवाइड कर दो तो एल रह जाएगा तो लेंथ बच जाएगा तो एन क्यू बी डी वीडी तो है मेरे पास. इज द करंट डेंसिटी हो जाएगी, दैट इज करंट चार्ज डेंसिटी बिकॉज़ एरिया के नीचे ले जाओ एंड लेंथ इज लेंथ आई एम टेकिंग 1 यूनिट इन दैट केस इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट एन क्यू बी डी इज द करंट चार्ज डेंसिटी. करंट चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जे जे इज इक्वल टू व्हाट आई बाय ए. अब मुझे सिर्फ उसको करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है कैन एन क्यू VD, okay, into A is current I. I can write like this. Blue NQVD team victory. A is current I because J is equal to I by A. Okay, so ये जो पूरा formula मेरा जो ऊपर बन रहा है, NQVD LA cross B is equal to JAL cross B.